मान्य सदस्यगण, सदन की गरिमा रखो, ये भारत की संसद है। आप इतने पुराने दल हो, आपका इस तरह का व्यवहार ठीक लगता है क्या? कुछ गरिमा रखो सदन में, आप गरिमा को गिराना चाहते हैं सदन में। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश शुरू हो जाता है तो आपकी बुद्धि भी काम नहीं करती, जब आपकी नियत में खोट होता है तो आपकी नियति भी आपका साथ नहीं देती है। इन दिनों हाल है भारतीय जनता पार्टी का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी से यह कह रहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर आप बहस करिए, मणिपुर के मुद्दे पर संसद में बोलिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी संसद के बाहर तो बात करके चले जाते हैं, लेकिन संसद के अंदर जो इतनी भव्य संसद बनाई गई है उसके अंदर मणिपुर के मुद्दे पर बोलने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, ये विपक्ष जानना चाहता है। जहां पर हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री मोदी को पूरा विपक्ष इंडिया 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 के नारे लगा रहा है, वही इंडिया जिसको कुछ अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तुलना हिजबुल मुजाहिदीन और कई सारे आतंकी संगठन से उसकी तुलना कर दी। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ मणिपुर जल रहा है तो दूसरी तरफ वो जो उनके सांसद हैं उनके साथ बैठते हैं उसी संसद भवन के अंदर उनके विपक्षी नेता है, उनको आतंकी घोषित कर रहे हैं, उनको आतंकवादी बता रहे हैं। लेकिन वही आतंकवादी बताने के बजाय शायद मणिपुर के मुद्दे पर थोड़ा सा भी बोल देते तो आज जो कहानी हुई है संसद भवन के अंदर शायद ये नहीं होता। आपको बता दें कि सारा संगठन जो इंडिया गठबंधन है वो पूरा एकजुट हुआ। इससे पहले भी जो संजय सिंह है उनको निष्कासित कर दिया गया था पूरे सत्र के लिए। आपको बता दें कि संसद भवन संसद सत्र के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी सांसद को जो मानसून सत्र है उससे पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया गया हो। इसी बीच संजय सिंह धरने पर बैठ गए और उनके साथ पूरा इंडिया साथ में उनके मौजूद है। रात दिन उन्होंने कहा है कि जब तक सत्र चलेगा हम धरना देंगे और प्रधानमंत्री को मजबूर कर देंगे मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए। अब आपको बता दें कि इसी बीच पूरे जो भी इंडिया इंडिया का जो गठबंधन है उसने अविश्वास प्रस्ताव जारी किया, जिसमें बीआरएस के गौरव गोगोई और कांग्रेस ने एक प्रस्ताव जारी किया जिसपे सभी विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर कहा हाँ हम इस अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और सभापति ने वहीं पर मोहर लगा दी। इसी के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या अब प्रधानमंत्री मोदी को दौड़े दौड़े आना होगा और इस मुद्दे पर बहस करनी होगी। अब तो मजबूरन उनको इस मुद्दे पर बोलना ही पड़ेगा। जिस मुद्दे से प्रधानमंत्री भाग रहे थे, भटक रहे थे, अब उसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बोलना होगा। लेकिन उससे पहले सभापति ने क्या कहा है और सुन जो गौरव गोगोई है अविश्वास प्रस्ताव जो जारी हुआ है उस पर क्या कहा है, एक झलक देखिए। 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है, ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गौरव गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में यह अनुरोध करता हूं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा करकर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। दोस्तों, जब से इंडिया का यह गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए। सबसे बड़ी बात इसके नाम को लेकर है। जब से इंडिया नाम इस गठबंधन का रखा गया, पहले इसका नाम यूपीए हुआ करता था लेकिन इसके बाद इंडिया रखा गया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। वो समझ नहीं पा रही है कि हम इस इंडिया नाम से, इंडिया शब्द से हम इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। वो समझ नहीं पा रहे कि हम कैसे कटाक्ष रहे, जो भी करते हैं उनके उनके ऊपर ही उल्टा
वो कीचड़ की तरह उछल कर आ जाता है। अब आप जो संसद सत्र में आज जो अविश्वास प्रस्ताव जारी हुआ है उस पर क्या कहेंगे, और जो ये गठबंधन बना है इंडिया का, इसकी एकजुटता का ये पहला परिणाम है, शायद ये पहली जीत है, इस जीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट पर अपनी राय जरूर दीजिए।